रेलवे स्टेशन का जो है कि मुख्य शायद हम लोग पहले वाले लोग जो है कि फूड कोर्ट रहने वाला है। ये सब तमाम जो है कि बुनियादी सुविधाएं रहने वाली हैं। और ये आप व्यू देखें, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स पे भी देख सकते हैं, आप बहुत ही जबरदस्त। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं गुरु वशिष्ठ चौराहे पे, जो कि टेढ़ी बाजार चौराहे के नाम से पहले जाना जाता था। और ये रामपथ से ठीक सटा हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं रामपथ मार्ग, और उसके बाद से ठीक ये हमारे पीछे जो है कि नया फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ है, जो कि टेढ़ी बाजार और सीधे रेलवे स्टेशन से जोड़ते हुए मार्ग चला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ड्राइंग और पेंटिंग और तमाम सारी अपडेट हो रही हैं, तमाम कलाकृतियाँ दिखाई जा रही हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अपडेटेड वीडियो चाहिए मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं वीडियो को। और ये आप देख सकते हैं, ये मल्टीप्लेक्स है जो कि अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाया गया है। और इसमें जो है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे पूरी दुकान वगैरह रहने वाली है। और थर्ड फ्लोर पे जो है कि शेल्टर्स रहने वाले हैं स्टे करने के लिए। और फोर्थ फ्लोर पे जो है कि फूड कोर्ट रहने वाला है। ये सब तमाम जो है कि बुनियादी सुविधाएं रहने वाली हैं। और यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है। यहाँ पे आप जो है कि चौथे फ्लोर तक, पांचवे फ्लोर तक जो है कि पार्किंग कर सकते हैं। और छठे फ्लोर पे इस पे भी रहने के लिए शेल्टर्स वगैरह बनाई गई है। और यहाँ पे आप ड्राइंग देख सकते हैं, भाई साहब बहुत ही गजब की ड्राइंग है, ड्राइंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की एक ड्राइंग बनाई गई है। और उसके बाद से भगवान श्री राम जी की ड्राइंग बनाई गई है, जो कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के तहत जो है कि डेवलपमेंट में बनाई गई है। और अभी हम लोग आपको इस ब्रिज पे दिखाते हैं कि किस प्रकार से कलाकृतियाँ हुई हैं। ये आप व्यू देखें, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स पे भी देख सकते हैं। उस प्रकार उस तरफ आपको लेके चलते हैं, पास से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप सब, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जगह जगह ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। और लगभग यहाँ पे काफ़ी जगह कंप्लीट भी हो चुका है और काफ़ी जगह कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ पे दो बीच में स्पेस भी छोड़ा गया है सीधे रामपथ से आते समय। अब चलिए इस तरफ से आगे लेके चलते हैं, ऊपर की तरफ आपको व्यू थोड़ा दिखाते हैं कि किस प्रकार से दिखता है ये पूरा जो है कि ओवरब्रिज, किस प्रकार से इसकी ड्राइंग और पेंटिंग की जा रही है। सब जगह अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं, ये नहीं कि एक ही जैसा सब बनाया जा रहा है। दोस्तों ऊपर की तरफ हम लोग चल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक दोहा भी लिखा हुआ है जो कि रामचरितमानस का ही है, दो पंक्तियों में लिखा गया है ये। ये आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की जो है कि एक झलक, और उसके बाद से जो है कि भगवान श्री राम की भी एक झलक है जो कि पीछे की तरफ से बनाई गई है। और यहाँ पे सबसे चीज़ें नोटिस करने वाली है वो ये लाइटें, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। ये अभी अभी लगी हैं हाल फिलहाल में। ये व्यू देखें, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटिंग्स हाल फिलहाल में ये हो रही हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ फ्लाईओवर देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या निर्माण हो रहा है यहाँ पे। यह आप व्यू देखें, यहाँ पे पेंटिंग्स हो रही हैं हाल फिलहाल में भी, क्योंकि ये पुल काफ़ी बड़ा है और उधर की तरफ भी शायद पेंटिंग्स होने वाली है। इस वजह से जो है कि यहाँ पे पेंटिंग्स सुबह के टाइम पे भी इतना तेज़ी से हो रहा है। अब व्यू देखें, चलिए आपको आगे की तरफ व्यू दिखाते हैं पुल का, जहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है रेलवे के ओवर क्रॉसिंग का। दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ से जो ओवरब्रिज है वो सीधे आ रही थी, आप देख सकते हैं सीधे सीधे ओवरब्रिज है, इधर तरफ भी सीधे सीधे है, पर यहाँ से अब ओवरब्रिज जो है कि थोड़ी टर्न हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एंगल्स वाले जो पूरा बन रहा है, ये थोड़ा अलग अलग बन रहा है। एक तरफ ये इधर की तरफ थोड़ा सीधे है और ये थोड़ा टेढ़ा करके लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरब्रिज थोड़ी मुड़ गई है आगे की तरफ। और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि मतलब ये वाले एंगल्स को पूरा जोड़ के और ये एक फ्लोर थोड़ा आगे होने वाला है, और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। क्योंकि अभी हम लोग पिछला जब वीडियोस देख के आए थे तब जो है कि एक ही तरफ का पूरा बना हुआ था,
और अभी दूसरी तरफ का भी पूरा बन के तैयार हो गया है। यहाँ व्यू आप देखें, पूरा यहाँ पे बना के तैयार किया जा रहा है। ये आप व्यू देख सकते हैं और ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सॉरी, ये जाइंट वाली क्रेन देखें भाई साहब, ये ऊपर यहाँ पे गई है और यहाँ से ये वेल्डिंग वगैरह करने के उपकरण और जो लोगों को यहाँ पे स्टे किया गया है और ये लोग वेल्डिंग करके ये पूरा जॉइंट कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। इधर की तरफ आप देख सकते हैं, हम लोग इस तरफ आ चुके हैं और इस तरफ का व्यू देखिए, यहाँ पे भी बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ तक ही अभी तक काम हुआ था और इधर का थोड़ा व्यू आपको दिखाएं। ये रेलवे स्टेशन का जो है कि मुख्य द्वार है, किस प्रकार से इसको पूरा मतलब सजाया जा रहा है, किस प्रकार से इसका पूरा व्यू है ये आप नोटिस करें। बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन का ये प्रवेश मार्ग है। हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और इस पूरे फ्लाईओवर को दिखाते हैं कि ये कैसे और किस प्रकार से बन के पूरा तैयार हो चुका है उद्घाटन के लिए। और एक तरीके से कहा जाए तो ये हमें लगता है कि उद्घाटन से पहले इसका काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि उधर की तरफ भी पूरा रोड बन चुका है और इधर की तरफ भी रोड बन चुका है। बस कुछ ही दूरी बाकी है जो ये पूरा ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद से शायद इसको जो है कि पूरे तरीके से एक तरीके से मेंटेन माना जाएगा। ये अब व्यू देखें इधर की तरफ, ये पूरा वाटर का पंप लाइन बनाया गया है, ये शायद फायर वगैरह के लिए जो है कि पूरा सेट किया गया होगा। ये व्यू देखें, शायद हम लोग पहले वाले लोग होंगे जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, इतना नज़दीक आ रहे हैं। ये पूरा व्यू देखें आप, और यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन पूरा दिखाई दे रहा है और इधर भी शायद प्लेटफॉर्म और यार्ड का निर्माण होने वाला है, जो कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है इधर भी हो, इधर भी गेट का निर्माण हो, क्योंकि आने वाले समय में स्टेशन का जो है कि पूरा लोड वगैरह जो है कि बहुत ही हैवी होने वाला है। इस वजह से काफ़ी एक तरीके से जो है कि माना जाता है कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोड पड़ने वाला है, इस वजह से जो है कि इसको पूरा दूसरे साइड भी प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा। यह पूरा व्यू देख रहे होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त लुक लग रहा है। चलिए अब आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं और सारी चीज़ें दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या अपडेट है यहाँ पे। बगल के साइड से हम लोग दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पेंटिंग और अद्भुत अद्भुत चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उस साइड से तो हम लोगों ने बहुत बार दिखाया है आपको और अब बारी है इस तरफ से दिखाने का, क्योंकि इस तरफ जो है कि खूब ही अनोखा और अद्भुत पेंटिंग हुआ है, इस वजह से हम लोग इधर लेके आए हैं आपको। यहाँ पर आप देखें फ्लाईओवर के नीचे की साइड में जो भी वॉल्स होते हैं फ्लाईओवर के, इस पे भी जो है कि पूरा पेंटिंग वगैरह हुआ है। काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीनरी को एक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिरों को भी दिखाया गया है, जो कि एक अद्भुत और अनोखा जटा विकीर्ति है अपने आप में। आप फील देख सकते हैं यहाँ का, ये प्रभु श्री राम और भव्य राम मंदिर। अब व्यू देखें, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ना? अगर लग रहा है तो आप प्लीज़ कॉमेंट करिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। यह व्यू देखें हनुमान जी लोग की भव्य बानरी सेना, जो कि लंका के ऊपर पुल बनाने के काम में आई हुई थी। और यहाँ पे आप देखें, पहले भी बहुत ही ज़्यादा जंगल हुआ करता था और अब विकास के इस अपने पड़ाव में विकसित अयोध्या की विकसित फुल कहानी आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ये ड्राइंग देखें, यहाँ पे गेट था, अभी गेट बंद है शायद, शायद यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है उस वजह से। यार गजब का मतलब, ये पूरा डस्टबिन वगैरह आप देख सकते हैं बनाया गया है, ये पूरा यूनिक है, एकदम यूनिक। ये लाइटें देखें, काफ़ी अद्भुत और अनोखा है। और यहाँ पे सब जो है कि रीयूजबल है, मतलब एक तरीके से जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको एक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखें भगवान श्री राम और उनके नीचे जो है कि मोर लगा हुआ, ये भी पूरा मतलब जो जो मतलब चीज़ें जो है कि एक तरीके से कचड़े और कबाड़ की हैं, उनसे चीज़ों से बनाया गया है इसे, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लुक दे रहा है। यहाँ पे आप देखें, इसके नीचे भी पेंटिंग वगैरह हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये आप देख सकते हैं, ये लोहे के पाइपों के जो है कि एक पेड़ बनाया गया है ट्री, और इसमें गमले रख के काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसे। व्यू देखें,
माता सबरी के साथ भगवान श्री राम बेर खाते हुए मूवमेंट यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे एक शंख की आकृति बनाई गई है जो कि रीयूजेबल है पूरा, जो कि लोहे और जो रिंच वगैरह होता है इन सब चीज़ों से बनाई गई है। तो ये एक अद्भुत अलग में ही जो पूरा निर्माण हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से रीयूजेबल टाइप का हो रहा है। यहाँ पे आप देखें काफ़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त ये पौधों के ऊपर भी पौधे रखेगा। यहाँ पे भी गेट होने वाला है तो ये काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और ये आर्टिफिशियल जो है कि ग्रास है। यहाँ पे आप पूरा व्यू देखें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लग रहा है। भगवान श्री राम का जय श्री राम लिखा हुआ पूरा लुक, और ये राम जी के तीर धनुष के अनुसार ही जो है कि पूरा व्यू दिखाया गया है। ये आप व्यू देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे लाइटें भी बहुत ही ज़बरदस्त लगाई गई हैं। और एक और चीज़ नोटिस करने वाला है, यहाँ प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं वैसा बनाया गया है, तो काफ़ी मतलब यहाँ पे यूनिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी पिलर्स हैं, जितने भी ये पूरा जो सिस्टम है इसमें यहाँ पे स्लोप सीढ़ियाँ लगने वाली हैं जो कि नीचे की तरफ आने वाली हैं। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि इस तरफ भी नीचे की सब सीढ़ियाँ आने वाली हैं। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि ये पूरा जो एरिया है, मतलब पूरा ये फाटक का जो एरिया है इसे बंद कर देने वाले हैं लोग, कि मतलब रेलवे को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार फाटक को ओपन करना बंद करना इस वजह से, क्योंकि रेलवे स्टेशन का निर्माण अब यहाँ तक हो रहा है इस वजह से। और सब कुछ ऊपर से रहेगा, जो लोग पैदल आने जाने वाले रहेंगे वो भी इधर से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए आपको आगे की तरफ और व्यू दिखाते हैं, उस तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ। ये आप रास्ते देख सकते हैं भाई साहब, नीचे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे आते हुए और ये कुछ व्यू है किस प्रकार से जो है कि मेन जो है कि पूरा टर्मिनल बन के तैयार हुआ है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रहा है। और उस प्रकार मेनली उधर बन रहा है, आपको उधर लेके चलते हैं और उधर भी दिखाते हैं कि किस प्रकार वहाँ पे बन रहा है और कैसे एंगल्स को वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है, ये भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे मशीनरी बैठ गई है चीज़ों की। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो आपूर्ति है इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे डीसी वगैरह कई जगह चलाया जा रहा है, जहाँ से इलेक्ट्रिक जो है कि आपूर्तियाँ पूरी की जा रही हैं। अच्छा ये आप व्यू देखें, पूरा एंगल वगैरह यहीं पे इंस्टॉल करके बनाया जा रहा है, उसके वजह से छोटे छोटे एंगल्स को वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है लगाने के लिए। ये व्यू देखिए आप, यहाँ पे भी सीढ़ियों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा सीढ़ियों को बनाया जाने वाला है, क्योंकि आपको हम समझाते हैं पहले कि किस प्रकार से पूरा बनाया जा रहा है। यहाँ पे पूरा ऐसे सीढ़ी होने वाला है जो कि नीचे की तरफ आने वाला है और यहाँ से लोग चढ़ के ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त निर्माण हो रहा है, आपको चलिए उस तरफ से दिखाते हैं कि उस तरफ कैसे निर्माण हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो थोड़ा दूर से चलते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल वगैरह गिर सकते हैं, इस वजह से हम लोग थोड़ा दूर से चलते हैं आपको दिखाते हैं। और अभी हम लोग इधर की तरफ से चल रहे हैं और ठंडी तो लग रही है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और कल के टाइम पे जो बारिश वगैरह हुई थी थोड़ी बहुत अयोध्या में, तो इस वजह से ठंडी लग रही है थोड़ी बहुत। अच्छा इधर देखें आप, जाइंट वाली क्रेन खड़ी है और यहाँ पे पूरा अभी जो है कि पुल के स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ है ऐसे साइड में, और ऐसे पूरा पुल के स्ट्रक्चर का वहाँ पे जो जॉइंटिंग बन रहा था वैसे ही पूरा निर्माण होके लगने वाला है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और व्यू आने वाला है। ये जॉइंट क्रेन को देखे भाई साहब, ये देख के अपने आप में ही अद्भुत लगता है। की तरफ आप व्यू देख सकते हैं पूरा काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये जो एंगल वगैरह है सब यहाँ पे उठा के एक एक करके लगाया जाएगा और फिर वेल्डिंग किए जाएंगे और पूरे तरीके से ये पूरा काम जो है कि ओके हो जाता है फिर, और पूरा पेंटिंग वगैरह सब कुछ बाद में किया जाएगा। तो इस साइड आते हैं थोड़ा आपको और व्यू दिखाते हैं, जो गार्डन वगैरह बन रहा है
जो अलग अलग जो एक निर्माण हो रहा है गार्डन वगैरह का, वो सब चीजें दिखाते हैं आपको किस प्रकार से क्या क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे। और इधर के साइड तो अभी तक लग रहा है कि ऐसे मार्गों का निर्माण, मतलब उन लोगों ने बोला लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मार्गों का निर्माण भी होना तो जरूरी ही है, क्योंकि नीचे की तरफ जो गार्डन वगैरह जो भी बन रहे हैं फिर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस वजह से यहाँ पे मार्गों के पास गार्डन वगैरह का निर्माण हो रहा है तो फिर यहाँ पे रोडों का भी निर्माण होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है कि घेराबंदी करके तमाम जो है कि लैंड पे और यहाँ पे शेल्टर्स टाइप में बनाया जा रहा है। तमाम जगह जो है कि अपनी अपनी कलाकृतियाँ की जा रही हैं और अपनी अपनी चीज़ें बनाई जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्री को लगाया गया है, ऐसा तमाम जगह ट्रीज को लगाया गया है, छोटे छोटे पौधों को लगाया गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी जो है कि गार्डन बनने वाला है। यहाँ पे आप देखें भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सबरी के बेर है, सबरी माता के, और सबरी माता बैठी हुई है, तो यहाँ पे भी गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे भी तमाम जो है कि एक्साइटिंग चीज़ों को किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को जो है कि विशेषता करने का वजह यही होता है कि यहाँ पे भी रोड और जो है कि आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पे निर्माण हो रहे हैं। और यहाँ पे आप व्यू देखें भगवान श्री राम और माता सीता जी और श्री राम मंदिर पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ऐसे नीचे की तरफ जब बनेगा तो और ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरह यहाँ पे प्लेग्राउंड टाइप में गार्डन बनने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के प्लेइंग किट्स रखे हुए हैं, सामान वगैरह रखा हुआ है, तो ये सब पूरा बनने वाला है। यहाँ पे जो है कि शायद दुकान वगैरह शायद बनाए जाएं, अभी तो कुछ अपडेट नहीं है। अच्छा दोस्तों यहाँ की तरफ कुछ अलग ही लाइटें लगी हैं, ये मणि पर्वत की तरफ रास्ता सीधे चला जाता है। मणि पर्वत आपने सुना होगा, हमारे वीडियोस में भी देखा होगा। ये आप व्यू देखें, ये मणि पर्वत की तरफ चला जाता है। यहाँ पे कलश की आकृति दी गई है बीच में और काफ़ी अलग लग रहा है, यूनिक लाइटें यहाँ पे लगाई जा रही हैं और यूनिक डिज़ाइनों के साथ जो है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो है कि रानोपाली की तरफ से रास्ता चला आता है सीधे। और ये आप व्यू देखें, यहाँ पे पाथवे का निर्माण हो रहा है गार्डन के पास में, ये गार्डन सबसे पहले बन के तैयार हो गया था। यहाँ पे आप व्यू देख पा रहे होंगे, चलिए आपको थोड़ा अंदर जो है कि व्यू दर्शन कराते हैं इस गार्डन का कि किस प्रकार से ये गार्डन है। उस तरफ से मेन रोड है, हम लोग इस तरफ से कोशिश करते हैं आपको चल के दिखाने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो है कि इंस्टॉल किया जा रहा है, ये साथ साइड में जो बाउंड्री के जो छोटे छोटे वॉल्स होते हैं इनको जो है कि लगाया जा रहा है लोहे के। और ये अंदर देखें, हम लोग बहुत पहले यहाँ पे आए हुए थे जब यहाँ पे पहली बार जो है कि ये सब बन रहा था, मेरे तो जूते भी ख़राब हो गए थे इधर की साइड में, मुझे याद है। ये आप देख सकते हैं ये पौधे पूरा लाए जा रहे हैं, यहाँ पे लगाए जाएंगे साइड में, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आने वाला है। ये आप देखें पूरा, और इस साइड भी जो है कि पूरा बन के तैयार हो चुका है, जो पूरा ऊपर की तरफ साइड का एरिया है वो। ये आप व्यू देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए बाहर के साइड से आपको दिखाते हैं थोड़ा किस प्रकार से गेट का सब होने वाला है। अच्छा ये गेट देखने में कितने छोटे छोटे लगते हैं ना, लेकिन है बड़े। ये देखिए मैं आराम से पार हो जा रहा हूँ, 6 फीट से बड़े हैं और मस्त लग रहा है ये रोड का पूरा एरिया। तो रोड का पूरा जो एरिया है ये मस्त लग रहा है, गजब का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऊपर के साइड में भी आप देख सकते हैं वो जो वाइट पट्टी अयोध्या विकास प्राधिकरण का लगा हुआ था वो पूरा लगा हुआ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय अयोध्या धाम।